आप लोगों ने बना दिया, मैंने तो कुर्ते पजामे में जिंदगी जी है। मेरा एक विजन था, है, और जब तक मेरे शरीर में एक खून की बूंद है वो रहेगा कि हिंदुस्तान की इस माटी से बीमारी और बेरोजगारी को भगाकर ही दफन होगा। बस इस विजन ने और इस मिशन ने इस कंपनी को जन्म दिया है। मेरे लालच ने जन्म नहीं दिया। मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया, मैं लोगों की सेवा करने आया हूं, और ये सेवा मरते दम तक करने का मैं प्रण कर चुका हूं, करता रहूंगा। क्योंकि दोस्तों, पैसा दौलत ये सब परमानेंट अचीवमेंट नहीं है, ये टेम्पररी अचीवमेंट है, यही रह जाएगी। परमानेंट अचीवमेंट है समाज के लिए जीना, लोगों के लिए जीना, अपने देश के लिए जीना, अपनी मातृभूमि के लिए जीना। यहां पर काफी लोग नए आए होंगे, उनसे मैं बताना चाहता हूं, सर मैं एक आम आदमी हूं, मेरे मन में एक हमेशा पीड़ा होती थी कि मैं इस देश के लिए कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करूं, पर किस माध्यम से करूं, नेता बन के करूं तो आपको मालूम नहीं है क्या हाल है, बाबा बन के करूं तो बाबाओं का हाल भी मालूम है। तो मैंने कहा क्यों ना एक रियल, एक सच्चा अच्छा बिजनेस करके इस समाज का भला करो। मेरी सोच थी कि लोगों के दुख दर्द में शामिल हूं, लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी अगली 10 पीढ़ियों से लोग ये बोले कि यार तेरे बाप में दम था। इस सोच ने एसएनपीएस को जन्म दिया। मैं देखता था देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी सेहत का सवाल है, कैसे लोग मारे मारे फिर रहे हैं, कैसे लोग परेशान हैं। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं, शायद आप लोग बताओगे क्या हमारे प्रोडक्ट ने साबित किया या नहीं किया, क्या हमारे प्रोडक्ट ने लोगों को ठीक किया या नहीं किया, क्या जो लाइलाज बीमारियां थी जो करोड़ों में ठीक नहीं होती थी वो हजारों में हमारे प्रोडक्ट ने ठीक की या नहीं की। दोस्तों, मेरी आवाज झूठी हो सकती है पर जनता की आवाज कभी झूठी नहीं होती। बहुत दिल से बनाए प्रोडक्ट, आज जब कोई बड़ा रिजल्ट आता है, कोई मेरे पास आता है और कहता सर ये हो गया, सर चमत्कार हो गया, सर ब्लड कैंसर में रिजल्ट मिल गया, सर उसमें रिजल्ट मिल गया, अभी कानपुर का एक रिजल्ट था, एक बच्ची अपाहिज पैदा हुई है और वो हमारे प्रोडक्ट से चलने लगी, जब लोग ये बात बताते हैं तो मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा काम कर। दोस्तों, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट सिर्फ मेरी वजह से नहीं आता, सिर्फ मेरे बनाने से नहीं आता, ये आपकी वजह से आता है, क्योंकि आप लोग नेक हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, अच्छी नीयत वाले हो, जब किसी को देते हो तो साथ में भगवान से कहते हो हे भगवान इसको ठीक कर देना। परमात्मा कहता प्रोडक्ट कैसा भी हो तेरी दुआ कबूल हो। ये जो आज हिंदुस्तान क्वालिटी प्रोडक्ट्स का बिकॉज ऑफ यू फाइटर्स, आपकी सच्ची नेक ईमानदारी, सच्ची नीयत, सच्ची सोच और सच्ची भावना जो ऊपर वाले से आप जोड़ते हो तो ऊपर वाला उन प्रोडक्टों में अपने आप चमत्कार करता रहा है, 4 साल से करता रहा है और 400 साल तक करता रहेगा। आज हमारा चौथा जन्मदिन है, जब चौथा जन्मदिन ऐसा हो रहा है तो 40वां कैसा होगा ये सोच लो। और ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सच्ची मोहब्बत है। दोस्तों, मैं सिर्फ एक भरोसा दिला सकता हूं, एक यकीन विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, मुझ में लालच नहीं है, मुझे कोई माई का लालच से नहीं खरीद सकता, मोहब्बत से चाहे कोई मेरी जान ले सकता। मौके मिलते हैं, लोग कहते हैं ये बना लो वो बना लो, ये
कर लेते, कंपनी इतने इतने करोड़ कम कर टर्नओवर कर चुकी है, आपके पास ये नहीं है, आपके डायरेक्टर के पास अभी गाड़ी नहीं है, आपके डायरेक्टर अभी भी क्रूज में घूमते हैं, सियाज में घूमते हैं, तो हम कहते हैं हमारे डायरेक्टर कहीं भी घूमते हो लेकिन हम मर्जी और जगवाद अपने फाइटर्स को बांटते हैं, ले लेंगे डायरेक्टर्स की गाड़ी आ जाएगी, लेकिन पहले जनता के पास जानी चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस मंच से आज एक भरोसा और विश्वास यकीन दिलाता हूं, जिंदगी में कभी मत सोचना क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जब तक धरती पे हम सब लोग हैं, जश्न होगा, जश्न होगा, जश्न होगा, उससे जश्न होगा। आपकी जिंदगी में मेरी आप वीडियो सुनिए, जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी वो वीडियो सुनिए मेरी, YouTube पे मिलेगी। उस दिन 10 लोगों के साथ ये कंपनी शुरू की थी, सिर्फ 10 लोगों के साथ, जब वो 10 लोग आज लाखों में कन्वर्ट हो सकते हैं तो सोचो आने वाले समय में क्या हो सकता है। उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी उन 10 लोगों से, इतनी सी भी चिंता मत करना तुम्हारे फ्यूचर की, इतनी सी भी चिंता मत करना तुम्हारे फ्यूचर की, जान लड़ा दूंगा, ईमान लड़ा दूंगा, लड़ जाऊंगा, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर तुम्हारे फ्यूचर से किसी को खेलने नहीं। ये इस मंच से हजारों लोगों की भीड़ में ये शख्सियत का वादा है, और जब कभी ऐसा हो तो मुझे वीडियो दिखा के मेरे मुंह पे थूक जाना कि थूक के चाटा सर, संजीव कुमार मर सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। बहुत है झुकाने वाले, आज मार्केट में तरह तरह की बातें होती हैं, ये इतने अच्छे प्रोडक्ट कैसे बना देता है, ये इतना अच्छा प्लान इसने कैसे दिया, लोग इतनी जल्दी करोड़पति क्यों बन गए। आज बाजार में दस्त लगे हुए हैं, दस्त बोला यार जिसे देखो एसलेपियस, ये एसलेपियस हमारे लोगों को तोड़ रही है, नहीं एसलीपीएस तोड़ने का काम नहीं करती, एसलीपीएस तो दिल से जोड़ने का काम करती है। हम किसी को तोड़ने नहीं आए, लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं और छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि तुमने पिछले 20 साल से प्रोडक्ट की क्वालिटी के नाम पे कचरा दिया है कचरा, और प्यार के नाम पे तुमने लूटा है, मैंने बांटा है। एसलीपीएस में दिन कोनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, लोग आते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, रोके से नहीं रुक रहे, और सुनामी नहीं कुछ भी मानो तूफान नहीं, आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग की पहचान है हम सब। हम दिखाएंगे इन लोगों को कि सच्चाई, ईमानदारी, नेक नियत, अच्छे प्रोडक्ट बनाकर और लोगों को अच्छे पैसे बांट कर भी कंपनियां चलाई जाती हैं, लूटने से कंपनियां नहीं चलती। अब लोग कहते हैं यहां तो अचीवर बहुत है, सर यहां कोई अचीवर नहीं, इधर कोई अचीवर नहीं आया था, इस कंपनी में किसी कंपनी का कोई बड़ा लीडर नहीं आया था, कोई अचीवर नहीं आया था, फेलियर आए थे, फेसर आए थे, लूजर आए थे। इस कंपनी में किसी भी कंपनी का कोई अरबपति नहीं आया है, मालूम है आप लोगों को, इस कंपनी में लूजर आया, फेलियर आया, फ्रेशर आया, लेकिन इस कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन प्लान ने उसे अचीवर बनाया। ठाकुर श्याम बाबा जानते हो, वहां क्या कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और हम कहते हैं हारे का सहारा एसलीपीएस हमारा।
उनकी मोहब्बत ने हमें और उसे हंसना सिखाया। असली प्रेस वेलनेस में कोई भी काम करता है ना, वो रोके नहीं करता। आज ये प्रोग्राम दुनिया देखेगी, सोचेगी होए लोग बुलाने से नहीं आते, इनके तो ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं उन लोगों को इस मंच के माध्यम से फिर आगाह करता हूं, बेटा या तो सुधर जाओ नहीं तो। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे यहां जुड़ते होंगे दिमाग वाले, मेरे यहां जुड़ते हैं दिल वाले। और ये दिल वालों की कंपनी है, दिमाग वालों की हमें जरूरत नहीं है भाई साहब, नहीं चाहिए हमें, तो जी वाले चाहिए, दिल वाले चाहिए। इतनी भीड़, इतने लोग, बाहर बैठने की जगह नहीं, पर एक भी फाइटर ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी फाइटर ने अनडिसिप्लिन नहीं किया। मैं कहता हूं साहब, हाथ जोड़ के नमन करता हूं आपको, उस माता पिता को जिसकी आप औलाद हो, क्या बच्चे पैदा किए। आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, अकाउंट में आज पैसे आ गए, तुम सोमे और अकाउंट में पैसे भी आ गए। लोग कहते थे बड़े चेक होंगे तो नहीं देगा, उससे बड़ा होगा तो नहीं देगा। अरे 5,000 करोड़ का होगा तो भी इतना गुर्दा लेके घूमता हूं, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। और अमीर, मैंने पिछली बार बताया भी था तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी बातें, वो जो बाजार में ठग चल रहे थे बताया था ना, याद है? कहा गए? गए। बताया था ना कि इनका सालों का पतन होगा, और वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुमने देख लिया। ये लोगों को लूट ले आते हैं, इनके अंदर इंसानियत, जमीन, खुददारी, एक हिंदुस्तानी भावना के नाम पर कुछ नहीं है। अरे हिंदुस्तानी आदमी हमेशा लोगों के लिए जीता आया है, हिंदुस्तान हमेशा भला करता है, हमारे तो खून में भलाई है। साला जो बुराई करे वो हिंदुस्तानी नहीं है। अभी भी चल रहे हैं कुछ ठग, भाई तुम भी सुन लेना, लाइव हूं मैं। आजकल वो बाइक और कार बड़ी चल रही है, बेटा तुम्हारा इंजन भी सीज होने वाला है, बता रहा हूं। चलेगी तो एक अच्छी सच्ची नेक नियत वाली ईमानदार कंपनी ही चलेगी। हिंदुस्तानी कुछ ही दिन गले लगाता है गलत को, कुछ ही दिन, और जैसी गलती का एहसास होता तो लात मारने में भी टाइम नहीं लगाता। ना तो सरकारों से पूछ लो, नेताओं से पूछ लो, ज्यादा दिन हिंदुस्तानी आदमी गलत के साथ नहीं रहता। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आगाज कर दो मार्केट के अंदर, बिल्कुल निडर काम करो। और ये जो ठगने वाले लोग हैं ना, इन अमिताभ स्टाइल में बोलो, रिश्ते में तो हम तुम्हारे पास, नाम है असली पीएस फाइटर। दोस्तों, ये सब ताकत है आपकी, हमारे और हमारे प्रोडक्ट्स की, लोगों की मोहब्बत की, लोगों के प्यार की, जो इतना हसीन माहौल है, इतना हसीन समा है। मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं। कम से कम यार आपने ये बिजनेस करने के बारे में सोचा तो सही। लोग तो बड़ा सोचते ही नहीं है, बड़ा करना ही नहीं चाहते। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है।
की भीड़ से आप अलग आ गए। मैं आपको एक बात बोलता हूं, इंसान जो सोचता है वो होता है, तुमने सोचा है तो होगा भी जरूर। सबसे पहला सलाम आपकी सोच को है, कम से कम आपने कुछ कर गुजरने के लिए सोचा तो सही। लोग सोचते नहीं है, पूरी जिंदगी डर डर के मर जाते हैं। कम से कम तुमने अपने जिगर को पहचाना तो सही। यहां काफी दूर दूर से लोग आए होंगे, बहुत परेशान होकर आए होंगे, कोई ट्रेन में कोई बस में किसी को खाना नहीं मिला, किसी को सीट नहीं मिली, किसी को रात को नींद नहीं आई, कोई ट्रेन में सो नहीं पाया। पर मैं आपको सिंपैथी नहीं दूंगा, ओ भाई थैंक यू सो मच तू ट्रेन में लेट के आया, अरे दर्द लेना सीख, क्योंकि दर्द मर्द को होता है। जो दर्द लेता है वही जीतता है। बॉडी बनाने में दर्द लगता है, बॉक्सर बनने में दर्द लगता है। जो शरीर को कष्ट देता है वही जिंदगी जीता है। मैं हमेशा से बताता आया हूं, दुनिया में दो तरह के सुख हैं और दो तरह के दुख, एक मानसिक दुख एक मानसिक सुख, एक शारीरिक दुख एक शारीरिक सुख। जो लोग शरीर से सुखी हैं, गांव में बैठ के ताश खेलते हैं, लोगों के साथ गप मारते हैं, वो मानसिक रूप से दुखी हैं, ना घर है ना गाड़ी है ना बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा है। और जो शरीर से दुखी है, आज विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, टाटा, रतन बिरला, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक एक पर्सनैलिटी 18 घंटे मेहनत करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं, तभी इस देश को सुख देते हैं। लेकिन जो शरीर से दुखी होता है वो मानसिक रूप से सुखी होता है। विराट कोहली रोज सुबह प्रैक्टिस करता है, रोज सुबह मेहनत करता है, रोज सुबह क्रिकेट खेलता है, रोज भागता है, रोज दौड़ता है, लेकिन 7 स्टार होटल में रहता है, जो चाय खाता है, जो चाय पहनता है, जहां चाहे बच्चों को पढ़ाता है, जब चाहे जो गाड़ी खरीद लेता है। जो शरीर को दुख देगा वो मानसिक रूप से हमेशा सुखी रहेगा। दुख देना सीखो, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। शरीर को जिंदगी बदल जाएगी, नजारे बदल जाएंगे, लोगों के नजरिए आपके प्रति बदल जाएंगे। लोग कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं होते। भाई कैसे होगा, तुझे चाहिए टाइम से टीवी, टाइम से बीवी। कैसे होगा, जिसे होम फोबिया है ना, जो घर पकड़ के रखता है, वो कभी दुनिया नहीं जीत पाता, उसे दुनिया कभी नहीं जान पाती। इस दुनिया का नियम है, जो फिरेगा वो चरेगा, जो फिरेगा वो चरेगा, जो जितना घूमेगा फिरेगा उतना ज्यादा कमाएगा। फिर कहते हैं सर सब कुछ ठीक है, मेरी किस्मत में पैसा नहीं, भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद ही नहीं। अरे ये तो डायरेक्ट सेलिंग है साला, तेरी किस्मत भगवान ने फुर्सत में 0 लिखी थी, लेकिन तेरे राइट और लेफ्ट में 2 की 0 लिख दी, तेरी बदल जाएगी। भी जुड़ जाती है। और मैं तो तुमसे एक सवाल करता हूं, सभी भाइयों से बहनों से, अगर मेरी किस्मत खराब है तो क्या हम ठीक कर सकते हैं, क्या ठीक कर सकते हैं? नहीं। अगर भगवान का आशीर्वाद है नहीं है तो क्या ला सकते हैं? क्या हमारा किस्मत पे कोई कंट्रोल है? क्या परमात्मा पे हमारा कोई कंट्रोल है? क्या वो चीजें हम सुधार सकते? नहीं। हमारा किस चीज पे कंट्रोल है? कंट्रोल है। कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर।
दे प्लान दे प्लान दे, बस इस पे हमारा कंट्रोल है। और ये कंट्रोल कर्म से किस्मत भी बदलती देखी है, परमात्मा को भी हाजिर होते हुए देखी। क्योंकि जब इंसान शिद्दत से किसी चीज पे कर्म करता है ना, जब इंसान पागल हो जाता है ना, जब इंसान को किसी कंपनी से अपने सपनों से अपने भी बच्चों से मोहब्बत हो जाती है ना, और वह मोहब्बत अगर सच्ची होती है ना, तो कहते हैं किसी भी चीज, शाहरुख खान की फिल्म देखी है ओम शांति ओम, क्या कहता है, किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी खाना तुझे तुम्हें मिलवाने में लग सकता है। अरे सच्ची मोहब्बत करके तो देख, अच्छे घर से अच्छी गाड़ी से बीवी मत बदलना, बीवी हो जाए, बच्चों के अच्छे स्कूल से अच्छी जिंदगी से सच्ची मोहब्बत करके तो देख, तेरे अंदर अपने आप एक जनून आएगा, एक उफान आएगा, एक चश्मा आएगा, और जिसे लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तू ही करके दिखाएगा, तू ही करके दिखाएगा, तू ही करके। खुश हो आप लोग, कर जाओगे? अरे जिंदगी जिंदा दिली से जिया करो। कई बार कई कंपनियों की ट्रेनिंग मीटिंग होती है, बोला मैं सीरियस हो जा, सीरियस हो जा, अबे सीरियस आदमी अस्पताल में रहते हैं, हमें सीरियस नहीं, अबे हमें सीरियस नहीं होना, मस्ती करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए हम दुनिया जीतेंगे, चेहरा मुंह बनाकर सीरियस होकर तो अस्पताल जाएंगे, हंसते हुए जिंदगी को जिएंगे। एसएफएस का हर फाइटर जब बाजार में जाता है तो मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, जो तेर से जलेंगे वो और जलेंगे, इस साला दुखी है फिर भी क्यों हंस रहा है, इसका चेक नहीं आ रहा फिर भी क्यों हंस रहा है, इसकी टीम नहीं बन रही फिर भी क्यों हंस रहा है। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसी जिंदा है, वरना सब जबरदस्ती जिंदा है। अरे जीवन में हमसे दौलत छीनी जा सकती है, शरीर छीना जा सकता है, हमारी मुस्कुराहट अगर कोई छीन ले उस दिन हम हारेंगे, जब तक हमारी मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता तब तक दुनिया हमें सलाम करती रहेगी। तो माय डियर फाइटर्स, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, लोग बोलते हैं संजीव है ना बहुत करता है, बहुत करता है अपनी कंपनी के लिए, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, मैं कहता हूं और करूंगा और करूंगा और करूंगा और करूंगा, करता ही रहूंगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया करूंगा। प्रोडक्ट अच्छे हैं, और दे दे, और अच्छे प्रोडक्ट दे दे, हर दिन क्वालिटी बढ़ती है, ये सब ना लोग कहते थे पहली साल में बात क्वालिटी गिरा देगा, अरे ये कंपनी बढ़ने वाली है या क्वालिटी भी बढ़ेगी या सब कुछ बढ़ेगा घटेगा कभी कुछ नहीं। आज एक छोटा सा अवार्ड मिला, वो अवार्ड मैं आप सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, समर्पित है एसएफएस के हर फाइटर को, ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये आप सबका अवार्ड है, और ये अवार्ड नहीं ये जवाबदारी मिली है, अगर शौर्य लिखा है तो शौर्य के साथ जी के और सूरवीरों की तरह मर के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, ये आप सबकी मेहनत का कमाल है जो आज भारत शौर्य श्री अवार्ड मिला, थैंक यू सो मच। ताली, और 9 दिसंबर बेंगलोर जा रहा हूं, फिर एक अवार्ड भारत की बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का अवार्ड मिलने वाला है।
आपको मालूम है हमारा देश और खासकर हमारा पंजाब नशे का गुलाम होता जा रहा है। 16-16 साल 18-18 साल के बच्चे ड्रग्स ले लेकर मर रहे हैं, उनका ड्रग्स उनके माँ बाप नहीं छुड़ा पाए। एसलीपीएस का अधिक टॉप ड्रॉप हर नशेड़ी का नशा छुड़ाएगा। जिनकी नशे मोटी मोटी हो जाती है, देखा है नशे मोटी मोटी हो जाती है, अब सबकी नशे खुल जाएगी क्योंकि वेंडो का है। अभी तक बालों का शैंपू था, बालों का तेल था, तुम्हारे बाल चमकते नहीं थे इसलिए कंडीशनर भी बना दिया। अभी तक तेल लगाते थे घुटनों में तो तेल कपड़ों में लग जाता था, शिकायत आती थी सर कपड़ों में लगता है तो जाओ जेल बना दिया है, किसी के कपड़े खराब नहीं होंगे और रिजल्ट पहले से ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अब हमारे यहां का एक अनिल पुरी जी है, हमने बनाया प्रोटीन पाउडर, बोले सर ये तो ठीक है पर जिसम वालों का वेट लिफ्टरों का भी बना दो। सभी जिम वाले भाइयों सुन लो, तुमने अमेरिका का कचरा खाया होगा, अब हिंदुस्तानी माल खिलाऊंगा वेट लिफ्टिंग पाउडर। नेक्स्ट, एलर्जी, अब कोई किसी से एलर्जी नहीं करेगा क्योंकि हम एलर्जी खत्म कर देंगे। बहुत से लोगों की खांसी और दमा ठीक नहीं होता, काली खांसी ठीक नहीं होती, चैलेंज है। तुम्हें बता रहा करने वाले लोग इंडिया में हैं, बता दो उन्हें खांसी ठीक करने की जिम्मेवारी होता है। किसी को भूलने की आदत है, किसी का दिमाग काम नहीं करता, बोलता सर महिपाल साहब बड़े इंटेलिजेंट है, अब तुम सब इंटेलिजेंट बनोगे तो तुम्हें ब्रेन टोक ले आया सारा काम। देखो मुझे ना अंग्रेजों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, 100% सालों से मैं बहुत चिढ़ता हूं। आज ढोल बजा के कौन आया, आज किस नचनिया ने नाच किया, आज भूखे कौन पकड़ा ली थी, बेटा अभी तक नचाया है, अभी तक ढोल बजाया है,
माय डियर फ्रेंड, समय बहुत है, कम है फिर भी